भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां एमएसई के बैनर तले अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के इन्वेस्टर्स का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। और अगर मालवा जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, तेंदुपत्ता संग्राहक स्वच्छता सम्मान समारोह और मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। रतलाम के तालाखेड़ी में तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन, पत्ता वितरण और मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करेंगे। साथ ही साथ बाजना में आदिवासियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। तो खबर भोपाल से, जहां कई कार्यक्रमों में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं। और इसी कड़ी में एमएससी के बैनर तले अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के इन्वेस्टर्स के राज्य स्तरीय सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। साथ ही साथ रतलाम के तालाखेड़ी में तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन, पट्टा वितरण और मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। वैभव गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वैभव, खबर मिल रही है कि आज सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। हाँ बिल्कुल रोमिता, सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले तो एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो इन्वेस्टर्स हैं और जो उद्यमी हैं उनका राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को साधने के लिए 15 सालों में पहला इस तरह का आयोजन होगा, जिसमें सीएम सीधे बात करेंगे। और क्योंकि एक नियम भी है कि जो 30% खरीदारी है वो अनुसूचित जाति जाति वर्ग के व्यापारियों से करनी चाहिए, उस नियम का पालन मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। ऐसे में बेहद अहम हो जाएगा इस सम्मेलन की सीएम शिवराज सिंह चौहान कैसे इस वर्ग को साधते हैं। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान आगर मालवा के लिए रवाना होंगे, जहाँ तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन है। साथ ही जन कल्याणकारी जो योजना है जो सीएम सरकार सीएम के द्वारा चलाई जा रही है, उसका एक कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। फिर वो रतलाम जाएंगे, रतलाम में भी पट्टा वितरण का एक कार्यक्रम उसमें शामिल होना है। तो शाम को आदिवासी का एक कार्यक्रम है बाजना में, वहाँ पर उसमें शामिल होंगे। रात्रि विश्राम बाजना में ही करेंगे। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।